चुनावी समर में उत्तराखंड पहुंचे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रचार कर रहे हैं। देखिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये जितने जनपद थे, जितने प्रतिष्ठित परिवार थे, इन लोगों ने सबने अपनी बेटियों को दूर किसी रिश्तेदार में या फिर हॉस्टल में इन क्षेत्रों से अलग करके मुंबई में, दिल्ली में, कई और जगह भेज दिया था। 2017 में जब हम लोग आए थे, यही चुनौती थी हमारे सामने। वहां प्लान होता था, व्यापारी प्लान कर रहा था, हर जगह लोग प्लान कर रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि सुरक्षा का गंभीर संकट था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बन गया है। सबसे सुंदर प्रदेश, सबसे सुरक्षित प्रदेश। हम कुंभ का आयोजन भी करते हैं तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ में बदल जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले कर्फ्यू लगता था, आज करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जाते हैं धूम धड़ाके के साथ। जिस उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारियों पर बम चलते थे, बाजार में बम फूटते थे, आज वहां पर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ निकलता है, कोई बाल बांका नहीं करता। और मुझे यही भय है, थोड़ी सी चूक हुई तो ये सभी अपराधी उत्तराखंड की तरफ रुख कर देंगे। यद्यपि मैं उनको इस लायक छोड़ता नहीं कि वो भागने लायक हो जाएं, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी, भूले बिसरे कोई कहीं से रेंगते हुए निकल ही गया तो समस्या आपके लिए खड़ी करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें भी बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है यह देश रहना चाहिए। क्योंकि इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश है तो हम भी हैं, और इसलिए एक ही धर्म मान करके हम लोग काम करते हैं, और वो धर्म है राष्ट्र धर्म। और भाइयों बहनों, ये जो स्थिति है, उस स्थिति के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, उनका चुनाव घोषणा पत्र देखा है, मुझे आश्चर्य होता है, देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाएगी, चार धाम के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार की बात करती तो सबके मन में एक नया उत्साह होता। प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने इस दिशा में प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया है। मेरा मानना है कि अकेले उत्तराखंड में प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है, कि अकेले पर्यटन से ही यहां लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। अकेले पर्यटन से उत्तराखंड में आप जिस भी धार में जाएंगे, एक देवी का मंदिर जरूर मिल जाएगा, एक देवालय जरूर मिल जाएगा। जिस घाटी में चले जाएंगे, वहां एक नई गंगा फूटती भी वहां आपको दिखाई देगी। और यही तो उत्तराखंड की पहचान है। यहां का जब गंगा जल और यमुना जल नीचे निकलता है, हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में उस जल का आचमन करके अपने को वहां के लोग धन्य धन्य महसूस करते हैं। उत्तराखंड का हमारा जवान जब सीमा पे रक्षा करता है, तब भारत की सीमा सुरक्षित होती हुई दिखाई देती है। इसलिए उस राष्ट्र धर्म के लिए
और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तराखंड के ही सपूत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया है। आपने देखा होगा कितना अच्छा करियर उनका था, और मुझे तो पिछले दिनों जब त्रिवेंद्र जी यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय सीडीएस जनरल रावत जी के साथ ही टिहरी महोत्सव के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब झील के तट पर हम लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम वहां पर उत्तराखंड सरकार ने आयोजित किया था। क्या नहीं है उत्तराखंड के पास, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक अवैध दुर्ग है कांग्रेस उस पर छेद करना चाहती है, कांग्रेस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है। क्योंकि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है। नेतृत्व विहीन, और वहां पर तो इस समय एक नई होड़ चली है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो, जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं है, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं।